वाराणसी में 3.5 साल कबर 1,50,00,000 रुपए की ग्रांट से शुरू होने वाला रेस्क्यू सेंटर का मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। बर वक्त इमदाद न मिलने पर मेलसी के शहरियों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। वसीम शबीर की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब की करीम तरीन तहसील मेलसी में मुस्लिम लीग नून के दौर में 1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट से शुरू होने वाला रेस्क्यू सेंटर 3.5 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। इमारत खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जबकि महकमे तामीरात के अफसरान ग्रांट ना मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। 95% मुकम्मल हो चुकी है। इस साल इसके फंड हमने डिमांड किए हैं, वो भी अभी तक रिसीव हुए और करंट डायरेक्टर की लाइबिलिटी भी पेंडिंग है। हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए काफी मुश्किलात का सामना होता है। एम्बुलेंस की तादाद ज्यादा की जाए ताकि मरीजों को आसानी से तशी के हॉस्पिटल में रेफर किया जा सके। मेलसी में रेस्क्यू सेंटर फाल ना होने की वजह से किसी हादसे या इमरजेंसी की सूरत में विहाड़ी या टिब्बा सुल्तानपुर से 40 किलोमीटर का फासला तय करके रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं। बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। कैमरा टीम के साथ वसीम शब्बीर, हम न्यूज़ मेलसी।